हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी स्टेशंस। हम है गुजरात के केवड़िया में। केवड़िया में सरदार सरोवर डैम है और ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कौन से ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए कौन कौन से आपको ऑप्शंस मिलेंगे और कौन कौन सी जगह आपको किस तरीके से पहुँचना है, यहाँ के टिकट्स किस प्रकार से बुक करनी है। दोस्तों, निकल चुके हैं हम अपने इस खास ट्रिप पर। जिस ट्रिप में मैं स्टेट से बाहर जाती हूँ, वहाँ मेरा एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ अलग रहता है। तो दोस्तों, ये इंदौर मध्य प्रदेश से गुजरात के एकता नगर तक कार में होने वाली एक लॉन्ग ड्राइव है, जिसे हम ब्यूटीफुली एंजॉय कर रहे हैं। इंदौर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिस्टेंस लगभग 620 किलोमीटर है, जिसे पहुँचने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 6.5 घंटे लगेंगे। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, जो एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मुंबई से काफी फ्रीक्वेंट कनेक्टिविटी है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बहुत ही करीब। ये है यहाँ की पार्किंग, जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है। आप प्राइवेट व्हीकल से आए या टैक्सी से आए, आपको अपनी गाड़ी यहीं पार्क करनी होगी, क्योंकि अंदर बस या इनकी ई रिक्शा ही जाती है। स्टैच्यू से थोड़ी ही दूरी पर आपको कुछ रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जो काफी शानदार हैं। यहाँ पे आप गुजराती ऑप्शंस जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, केवड़िया में आपको स्टे के लिए बहुत सारे होटल ऑप्शंस मिल जाएंगे। होटल ऑप्शन से भी अच्छे यहाँ पे होम स्टे अवेलेबल है, जो वाजिब रेंज में आपको मिल जाएंगे। ये विजय भैया है जिन्होंने हमें होम स्टे दिलाया है। इनका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ का होम स्टे कैसा है। दोस्तों, ये होम स्टे एक प्रॉपर 1 BHK फ्लैट था, जो एक मकान का फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन था। इस फ्लैट में स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या एक फैमिली इजीली रह सकती है। चलिए, रहने का ऑप्शन तो काफी अच्छा मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारा डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ घूमने की टिकट आप ऑनलाइन या फिर काउंटर से भी बुक कर सकते हैं। स्टैच्यू में अंदर घूमने के लिए और भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जिसकी टिकट्स आपकी मेन टिकट में इंक्लूडेड रहती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ टिकट परचेस करने से पहले ध्यान रखना है कि आप 150 वाली टिकट ले रहे हैं या 380 वाली टिकट। 150 वाली टिकट में आप गैलरी का नजारा देख सकते हैं। 380 वाली टिकट में आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और वहां से बांध का ब्यूटीफुल नजारा देखेंगे। लेकिन लिफ्ट से ऊपर जाने वाले टिकट्स में आपको टाइम स्लॉट मिलेगा। आपको उसी टाइम स्लॉट में स्टैच्यू पर एंट्री मिलेगी, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। स्टैच्यू के अंदर स्पॉट्स के लिए आप बस या फिर ई रिक्शा से ट्रैवल कर सकते हैं। ई रिक्शा के चार्जेस यहाँ फिक्स हैं, बस के चार्जेस आपके टिकट्स में इंक्लूडेड हैं। स्टैच्यू एक वेल डिसिप्लिन डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आप भी ध्यान रखें, क्योंकि ये सरदार जी की नगरी है। यहाँ पर आपको बस या ई रिक्शा स्टॉप पर ही मिलेंगे। आउटसाइडर फूड अलाउड नहीं है और वॉक करने के लिए रेडी रहें। और ये ग्रैंड एंट्री है स्टैच्यू में जाने के लिए। धूप से बचने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े शेड्स लगाए गए हैं। आप अगर गुजरात का प्लान कर रहे हैं तो मौसम का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है और आपको वॉक करने के लिए भी यहाँ रेडी रहना होगा। आपकी वॉक को स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे वॉकिंग एस्केलेटर भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी हम स्टैच्यू के बहुत करीब आ चुके हैं। स्टैच्यू के पैर तक जाने के लिए यहाँ पे एस्केलेटर लगे हुए हैं और स्टैच्यू के ऊपर भी आप लिफ्ट से जा सकते हैं। उसके लिए आपको मेंशन टाइम स्लॉट पर ही एंट्री मिलेगी। और ये है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 562 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया, जो पेशे से वकील और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, बहुत सारी सीढ़ियां और एस्केलेटर चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं सरदार पटेल जी के पैर के पास। आप देख सकते हैं इनके पैरों की सोल भी मेरी हाइट से ज्यादा है, तो ये प्रतिमा कितनी बड़ी होगी। इसकी हाइट 182 मीटर है। ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष की मूर्ति को लोहे से ही बनाया गया है, ताकि वो उनके मजबूत इरादों की तरह सालों साल टिका रहे। पटेल जी की मूर्ति सरदार सरोवर डैम की ओर फेसिंग है। यदि आप लिफ्ट से सरदार जी के चेस्ट तक जाते हैं, तो आपको डैम का ब्यूटीफुल नजारा देखने को मिलेगा।
ये डैम नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। पटेल जी की मूर्ति के नीचे ही व्यूइंग गैलरी है। इस गैलरी में आप सरदार जी के बारे में बहुत सारे नोन और अननोन फैक्ट्स रिवील कर सकते हैं। आसपास के एरियाज में एजुकेशनल टूर के लिए स्टैच्यू को ही प्रेफर किया जाता है। बुक से पढ़ना और लाइव आकर यहाँ विजिट करने में काफी अंतर होता है। यहाँ आने के बाद स्टूडेंट्स सरदार पटेल जी को और उनके योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। इस गैलरी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मेकिंग के ऊपर शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाती है। स्टैच्यू में एंट्री करके एक्सप्लोर करना, गैलरी विजिट करना, सारी चीजों में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय आपको लगेगा। अब हमें बहुत तेज भूख लगी है, अब हम चलते हैं यहाँ के फूड कोर्ट की ओर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बहुत सारी प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, इसके लिए आपको एक दिन भी कम पड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड और बोट राइड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सफर पूरा करने के बाद हम आए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स एंड यूनिटी ग्लो गार्डन। वैली ऑफ फ्लावर्स नॉर्मल गार्डन की तरह है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फूल मिलेंगे। इसके अलावा यूनिटी ग्लो गार्डन का लुक आपको रात में बहुत अच्छा मिलेगा। वैली ऑफ फ्लावर के सामने ही बटरफ्लाई गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड जंगल सफारी है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये यूनिटी ग्लो गार्डन का शाम का नजारा है। यहाँ शाम में बहुत रौनक होती है, यहाँ के सारे आर्टिफिशियल फूल रात में काफी लाइट देते हैं। शाम के समय ग्लो गार्डन का ग्लो कुछ ज्यादा ही देखने लायक रहता है। आप शाम में यहाँ आना मिस ना करें। और यहाँ पे लाइव डीजे भी चलता रहता है, जहाँ पे आप ठुमके लगाकर अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ के सारे आर्टिफिशियल फ्लावर रात में कैसे खिल उठे हैं, है ना बहुत खूबसूरत। दोस्तों, ये यहाँ का जंगल सफारी है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वो यहाँ खूब एंजॉय करेंगे, आप उस जगह को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, सुबह से शाम हो गई है, स्टैच्यू के सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर करते करते यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब हम पहुंच रहे हैं यहाँ के बस स्टैंड लेजर शो देखने के लिए। कुछ लोग लेजर शो देखने के लिए हेलीकॉप्टर व्यू पॉइंट पे जाते हैं, पर आप इसे बस स्टैंड से ही आसानी से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज के इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के होल डे टूर का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये बताएं जरूर कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। हम इस चैनल पर इसी तरह के नए नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर वीडियोस बनाते रहते हैं।